Hello student, how are you all? We hope you are all fine and safe at your home. Myself Chandni Thakkar from DPS School Nalia. We are starting online teaching today onward. Our first lecture is Gujarati subject chapter number 1. Navdi Chali. Chapter number 1 ka naam hai Nav Chali. Yahan pe aapko aadhi story di gayi hai aur aadhi story banani hai. To chapter number 1 hum start karte hain. एक बार डेडको पीलू उंदर कीड़ी अने भमरो बधा फरवा निकल्या। एक बार फ्रॉग पुलेट माउस एंट्स बीटल वो सब घूमने के लिए निकले। फरता फरता तेओ नदी किनारे पहुँची गया। घूमते घूमते वो लोग सब नदी किनारे पहुँच गए। नदी नू पानी जोता चालो तरीए कहीने डेडको पानी में कूदी पड़ो। नदी का पानी देखते चलो तैरते हैं ऐसा बोलकर फ्रॉग पानी में कूद गया। पानी में तरता तरता डेडकाए कहूँ चलो तमे पण तरो। पानी में तैरते तैरते फ्रॉग ने बोला चलो तुम सब भी स्विमिंग करो। फिर पुलेट माउस एंट्स एंड बीटल ने कहा पण अमने तो तरता नथी आवडतू। पीलू उंदर कीड़ी अने भमराए कहूँ वो लोग बोले हमें तो तैरना नहीं आता। डेडकाए कहूँ लो आमने तो तरता पण नथी आवडतू। फ्रॉग ने हंसकर बोला इन लोगों को तो तैरना भी नहीं आता। पीलू उंदर कीड़ी अने भमराए बहु खराब लाग्यो। पुलेट माउस एंड सेल बीटल को बहुत खराब लगा के फ्रॉग ने उन लोगों का मजाक बनाया। चारे मित्रे विचार करीने एक युक्ति विचारी। वो सब मिलकर एक आइडिया सोचने लगे और उन लोगों को एक आइडिया मिल भी गया। पीलू गयू अने झड़पथी एक पांदड़ू लई पाछू आव्यू। पुलेट दौड़कर गया और एक पत्ता लेके आ गया। उंदर एक नारियेड़नी काचली लई आव्यो। माउस एक कोकोनट शेल लेके आ गया। कीड़ी एक लाकड़ी ले आवी। एंस एक स्टिक लेके आ गई और भमरो उड़ता उड़ता दोरी ले आव्यो। बीटल ने उड़ के एक रस्सी लेके आया। नेक्स्ट पेज। तेवो बधा काम में लागी गया। वो सब काम में लग गए। चारे मित्र भेगा थई एक नावड़ी बनावी। वो सब ने मिलकर एक नाव बनाई। कौन कौन ने नाव बनाई? पुलेट माउस एंड्स बीटल वो सब ने साथ में मिलकर एक नाव बनाई। नावड़ी ने पानी में नाखी। नाव को पानी में डाला। तेमनी नावड़ी चाली निकली। उन लोगों ने इतनी मेहनत करके जो नाव बनाई थी वो पानी में तैरने लगी। अने चारे मित्र नावड़ी में बैसी गया अने नावड़ी तरवा लगी और वो सब फ्रेंड्स नाव में बैठ गए और नाव तो तैरने लगी और नाव तैरते तैरते बहुत दूर चली गई। डेडकाए पानी में थी माथू बाहर काढ़ू। फ्रॉग ने पानी में से अपना मुंह बाहर निकाला अने जोवा लाग्यो चारे मित्र नदी में तरता हता और फ्रॉग देखने लगा क्यों उसके जो फ्रेंड्स थे वो पानी में तैर रहे थे। ते नावड़ी सुधी पहुँची शकवानो न हतो। फ्रॉग था वो नाव तक पहुँच सकता नहीं था क्योंकि नाव बहुत दूर चली गई थी। एने एना हसवा पर पछतावो थयो हतो अने फरीवार पानी में वयो गयो। फ्रॉग ने जो पुलेट माउस एंसर बीटल का मजाक उड़ाया था उस पर उसको रिपेंट होने लगा और वो एक बार फिर से पानी के अंदर चला गया। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? सब साथे मड़ीने काम करिए तो सफलता मड़े छे। सब साथ मिलकर काम करते हैं तो सफलता मिलती ही है। एकता माच बड़ होय छे। एकता में ही शक्ति है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 नीचेना प्रश्नों ना उत्तर एक एक वाक्य में लखो। क्वेश्चन नंबर 1 कीड़ी अने भमरा साथे कौन कौन फरवा निकल्या हता? एंस और बीटल के साथ कौन कौन घूमने निकले थे? सो एंस एंड बीटल के साथ फ्रॉग पुलेट माउस
घूमने के लिए निकले थे। पानी में कौन, क्वेश्चन नंबर टू, पानी में कौन कूदी पड़ू, पानी के अंदर किसने जंप लगाया, पानी के अंदर फ्रॉग ने जंप लगाया। क्वेश्चन नंबर थ्री, तरता कोने कोने आवड़तू नहोतू, तैरना किस किस को नहीं आता था, तो तैरना पुलेट माउस एंस और बीटल को नहीं आता था। पीलू झड़प थी शू ले आव्यू, पुलेट दौड़कर क्या लेके आया, पुलेट दौड़कर पत्ता लेके आ गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, नावड़ी बनावा कौन शू ले आव्यू, नाव बनाने के लिए कौन क्या लेके आया, तो नाव बनाने के लिए पुलेट एक पत्ता लेके आया, माउस एक कोकोनट शेल लेके आया, एंट्स एक स्टिक लेके आई और बीटल एक रस्सी लेके आया। आपको गुजराती की फेयर बुक बनानी है और उसमें दो पार्ट्स करने हैं, एक पार्ट्स ग्रामर एंड दूसरा पार्ट गुजराती चैप्टर के लिए। और गुजराती चैप्टर के अंदर शब्द समझूती और ये क्वेश्चन आंसर, ये दोनों लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर टू, एक्सरसाइज नंबर फोर, एक्सरसाइज नंबर फाइव एंड एक्सरसाइज नंबर सिक्स, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। थैंक यू।